Hello and welcome to Samaj Seva Tech. I am Amjad Khan. As you know, we are discussing about Indian polity. Today, we shall discuss about part 7. If you want to watch my every video, please do subscribe my channel and press the bell icon. And so, wasting much time, let us start. Our first question is, who among the following was the chairperson of the Provincial Constitutional Committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly में Provincial Constitutional Committee का chairperson कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जे बी कृपलानी? तो Provincial Constitutional Committee का जो chairperson है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल पब्लिक प्लेस आर ओपन टू ऑल सिटीजन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि ऑल पब्लिक प्लेस आर ओपन टू ऑल सिटीजन? आर्टिकल 15 क्लास 2, आर्टिकल 16 क्लास 2, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 15 क्लास 2 सेज दैट ऑल पब्लिक प्लेस आर ओपन टू ऑल सिटीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाय विच अमोंग द फॉलोइंग एक्ट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना? कौन सा एक्ट है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड को ख़त्म किया चाइना के साथ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज द करेक्ट आंसर. ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूनेस्को वंस इन हिज लाइफ टाइम? इंडिया का वो कौन सा प्रेसिडेंट है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनेस्को में अपनी लाइफ टाइम में एक बार? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधा कृष्णा, ज्ञानी जेल सिंह? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णा प्रेजेंटेड इंडिया इन यूनेस्को वंस इन हिज लाइफ टाइम. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग एक्ट वाज नोन एज द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919? कौन सा एक्ट एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है? इंडियन आर्म्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एल्बर्ट बिल या रोलार्ट एक्ट? तो रोलार्ट एक्ट जो है एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ब्रिटिश इंडिया का वो कौन सा एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन सोर्स है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत? कौन सा आर्टिकल है जो प्रोमोट करता है विलेज पंचायत को? आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40 प्रोमोट्स विलेज पंचायत. इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड द कोलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को कब किस साल अडॉप्ट किया? 1993, 1997,
2001-2005 तो जो कोलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया वो किया 1993। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके ऊपर बेस है? रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशन, नन ऑफ द अबव। तो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो है रूल ऑफ लॉ के बेस। आर्टिकल ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट आज के सेशन का आखिरी सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में? 1/6, 1/3, 1/5, 1/4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई होप यू अंडरस्टूड वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।